Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Vishu from Cycle Rider Roy. And as you can see behind me, मेरे पीछे है एक बाइक जिसमें अभी लगा हुआ है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक एंड इसको आज हम करने वाले हैं अपग्रेड टेक्ट्रो के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ. नाउ जो फर्स्ट स्टेप है पहले उसमें हम रिमूव करेंगे ये गियर शिफ्टर एंड ब्रेक लीवर के कॉम्बिनेशन को. हमने जो ग्रिप है यहाँ पे उसको पहले से निकाल दिया है ताकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ईजी हो जाए, तो आप भी इसको कर लेना. नाउ आई एम क्विकली गोना रिमूव देम एंड देन हम लोग इसमें लगाएंगे हमारे गियर शिफ्टर एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स को. तो चलो फटाफट इसको रिमूव करते हैं. नाउ यहाँ से हम अपने डिरेलर के केबल को भी निकाल देते हैं. There we go, गियर का केबल निकल चुका है एंड वी जस्ट नीड टू रिमूव इट. एज यू कैन सी यह पूरी तरीके से निकल चुका है. इसको हम रख लेंगे केबल को. अब फ्रंट डीरेलर को भी हम निकाल लेते हैं फटाफट. नाउ जो हमारा फ्रंट का शिफ्टर एंड ब्रेक लीवर है इसको भी हम निकाल रहे हैं अब, ताकि हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ काफ़ी इजीली पहुंच सके. एंड देयर वी गो, शिफ्टर सारे निकल गए. एज यू कैन सी फ्रंट शिफ्टर निकाल दिया हमने. सो एज यू कैन सी गाइस, जो हमने दोनों शिफ्टर एंड ब्रेक से वो पूरा हैंडल बार से निकाल दिया है. नाउ वी नीड टू रिमूव दिस ऑल्सो ताकि हम अपने नए हाइड्रोलिक ब्रेक के कैलिपर को लगा सकें. नाउ अभी हमारे पास है माइक्रो शिफ्ट का 3 स्पीड शिफ्टर, बिकॉज जो शिमानो है वो तो मिल ही नहीं रहा है. सो हमने ये माइक्रो शिफ्ट का जो शिफ्टर है ये हमने खरीदा है. इसका प्राइस था अराउंड 1500 का पूरा सेट है. सो ये हमारा फ्रंट शिफ्टर हमने लगा दिया है. एंड ये है हमारा 7 स्पीड का माइक्रो शिफ्ट का रियर शिफ्टर, 3 एंड 7, टोटल 21 गियर्स का ये पूरी बाइक है. सो इसको हम लोग लगा देते हैं हमारे बाइक में. देयर वी गो, ये रहा हमारा टेक्ट्रो का हाइड्रोलिक ब्रेक का सेट एंड ये लग गया पूरा सेट हमारा कंप्लीट. एंड नाउ एक एक करके हम अपने कैलिपर को इसमें करते हैं फिक्स. ये गया फ्रंट एंड अपने डिस्क ब्रेक के साथ सेंट्रल अलाइन करके हमारा कैलिपर हो जाएगा रेडी. नाउ एक एक करके बस वायर्स को हम पूरा इस तरीके से अंदर डाल देंगे एंड हमारे शिफ्टर में लगा के देन इसको इसके पोजीशन से करते हैं राउट. सो गाइज, एज यू कैन सी जो हाइड्रोलिक ब्रेक है एंड जो शिफ्टर्स हैं उसको हमने पूरी तरीके से हमारे कॉकपिट में लगा दिया है एंड जो पूरी वायरिंग है उसको भी हमने पहले के जैसे पूरा कर दिया है राउट. नाउ अब हम लोग शिफ्टर्स के जो वायर्स हैं उसको लगाएंगे हमारे फ्रंट डीरेलर्स एंड रियर डीरेलर में एंड गियर्स को फटाफट कर लेंगे ट्यून, ताकि जो हमारी गियर शिफ्टिंग है वो बिल्कुल पहले के जैसी हो जाए. लेट्स डू दैट. सो ये हमारा है रियर में टर्निंग का डीरेलर एंड इसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे गियर के वायर को अटैच. देन लेट्स गो अहेड एंड इसको टाइट कर देते हैं. सो गाइस, फाइनली जो हमारी बाइक थी उसमें आप देख सकते हो कि हमने हाइड्रोलिक ब्रेक को पूरा लगा दिया है एंड ये पूरी तरीके से फिट हो गई है. पहले हमारे हैंडल बार में जो ब्रेक एंड गियर्स का शिफ्टर था वो एक कॉम्बिनेशन था शिमानो की तरफ से, बट नाउ अब पूरा सेपरेट हो चुका है. हमारा गियर शिफ्टर सेपरेट है, हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक पूरी तरीके से सेपरेट है. नाउ ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक का सेट है ये हमने खरीदा है 5500 रुपीज़ में. ये टेक्ट्रो का हाइड्रोलिक ब्रेक है, हमने इसका पूरा सेट खरीदा है बोथ फ्रंट एंड रियर फॉर 5500 रुपीज़. एंड जो गियर शिफ्टर्स हैं हमारे ये हमने डिकैथलन से खरीदा है, ये माइक्रो शिफ्ट का है, ये हमने खरीदा है अराउंड 1500 रुपीज़ में. सो ओवरऑल कॉस्ट हमारा 7000 रुपीज़ के अंदर जो हमारी ये पूरी बाइक है ये पूरी हाइड्रोलिक ब्रेक एंड सेपरेट गियर शिफ्टर्स के साथ अपग्रेड हो गई है. नाउ ये बाइक जब हमने खरीदी थी इसको हमने खरीदा था अराउंड 11000 रुपीज़ में एंड 7000 रुपीज़ हमने इसके ऊपर जो है अपग्रेड में लगाया है. सो 18000 रुपीज़ में हमारी ये पूरी बाइक 29 इंच का है, 21 गियर्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ ये बाइक पूरी तरीके से अब अपग्रेड हो गई है. This video was supported by RideBite Max Protein. RideBite is committed towards providing you the best quality protein bars
protein chips and protein breakfast cookies. Their max protein bars contain 30 grams of protein, 10 grams of fiber, 5.5 grams of BCAA, and can provide you 5 hours of energy. The protein cookies are big and tasty. Whether you are a professional athlete or an enthusiast who like to keep themselves fit and ride longer distance, Ride Bite can cover your cravings during your long distance rides and workout. Link is available in the description.